अभाव। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु अनंत धर्मात्मक होती है। उन अनंत विरोधी धर्मों में एक युगल है अस्तित्व नास्तित्व का अविनाभाव। संसार का हर पदार्थ अस्तित्ववान होता है, उसी प्रकार नास्तित्ववान भी होता है। वर्तमान पर्याय का अस्तित्व होता है तथा भूत और भावी पर्यायों का नास्तित्व होता है। अस्तित्व और नास्तित्व के लिए भाव और अभाव शब्द का प्रयोग भी मिलता है। किसी भी वस्तु के स्वरूप को सिद्ध करने के लिए भाव का जितना महत्वपूर्ण स्थान है, अभाव का भी उससे कम नहीं है। भाव के बिना वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, उसी प्रकार अभाव के बिना भी नहीं होती। यदि हम वस्तु के केवल भाव रूप को स्वीकार करें और अभाव रूप को स्वीकार न करें, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन घटित नहीं हो सकता। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो सदा एक जैसा रहे। पदार्थ उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, पर उसकी सत्ता कभी समाप्त नहीं होती। वस्तु को भाव रूप मानने के साथ साथ अभाव रूप भी मानना चाहिए। अभाव को माने बिना उत्पाद और नाश की बात समझ में नहीं आती। यदि अभाव को नहीं माना जाएगा तो वस्तु में किसी प्रकार का विकार परिवर्तन ही नहीं हो सकेगा, उसका कभी अंत ही नहीं हो सकेगा। वो सर्वात्मक बन जाएगी, जिससे चेतन और अचेतन का भेद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए भाव के साथ साथ अभाव को मानना भी आवश्यक है। अभाव के प्रकार। अभाव के चार प्रकार बतलाए गए हैं, प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, इतरेतर अभाव और अत्यंत अभाव। पहला, प्राग अभाव। उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य का अभाव होना प्राग अभाव है। जैसे दूध कारण है और दही उसका कार्य है, किंतु जब तक दूध से दही उत्पन्न नहीं होता तब तक दूध में दही का अभाव रहता है। यह प्राग अभाव का उदाहरण है। यह अनादि अर्थात आदि रहित और शांत अर्थात अंत सहित होता है। अर्थात दूध में दही का अभाव अनादि काल से होता है, पर वह अनंत काल तक नहीं होता। जिस दिन दूध से दही जमा दिया जाता है, उस दिन उस प्राग अभाव का अंत हो जाता है। अतः यह अनादि और शांत है। दूसरा, प्रध्वंस अभाव। कार्य की उत्पत्ति के बाद उस कार्य के विनाश से होने वाले अभाव का नाम प्रध्वंस अभाव है। जैसे दही से छाछ बना लेने पर छाछ में दही का अभाव हो जाना प्रध्वंस अभाव है। यह अभाव सादी और अनंत है, अर्थात दही से छाछ बनाने की आदि अर्थात प्रारंभ तो है, पर छाछ से उस दही का अभाव अनंत काल तक रहेगा। भविष्य में कभी भी वह छाछ वही दही नहीं बन सकता, अतः यह सादी और अनंत है। तीसरा, इतरेतर अभाव। एक द्रव्य की पर्याय में दूसरे द्रव्य की पर्याय का न होना इतरेतर अभाव है। जैसे खंभे में घड़े का अभाव है और घड़े में खंभे का अभाव है। खंभा घड़ा नहीं होता और घड़ा खंभा नहीं होता। यह सादी और शांत होता है। वर्तमान खंभे में घड़े का अभाव होने से इस अभाव की सादी है, किंतु भविष्य में घड़े के पुद्गल खंभे के रूप में बदल सकते हैं, अतः यह अभाव शांत भी है। चौथा, अत्यंत अभाव। एक वस्तु का स्वरूप दूसरी वस्तु के स्वरूप से सर्वथा और सर्वदा भिन्न होता है। त्रिकाल में भी वह वस्तु दूसरी वस्तु के स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकती।
इसका नाम अत्यंत अभाव है। जैसे चेतन में अचेतन का अभाव, चेतन कभी अचेतन नहीं बनता और अचेतन कभी चेतन नहीं बनता। यह अभाव अनादि और अनंत है। चेतन में अचेतन का अभाव अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। अतः यह अभाव अनादि और अनंत है। दर्शन जगत में प्रमेय अर्थात वस्तु के स्वरूप के विषय में सभी दार्शनिक एक मत नहीं हैं। उसी प्रकार वस्तु के भाव अभाव स्वरूप को लेकर भी तीन विचारधाराएं हैं। पहली एकांत भाव रूप वस्तु, दूसरी एकांत अभाव रूप वस्तु, तीसरी भाव अभाव रूप वस्तु। एकांत भाव रूप वस्तु, एकांत भाव रूप का तात्पर्य है कि वस्तु के भाव स्वरूप को ही स्वीकार करना, अभाव स्वरूप का सर्वथा निषेध कर देना। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति पुरुष आदि 25 तत्वों का सद्भाव ही है, अभाव नहीं। वेदांतवादियों के अनुसार भी ब्रह्म की एकमात्र सत्ता है, उसी का ही भाव है। भाव को छोड़कर अभाव कोई पृथक धर्म नहीं है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से भी हमें केवल भाव रूप धर्म का ही ग्रहण होता है। मीमांसक भी शब्द को नित्य मानते हैं। उनके अनुसार शब्द का सद्भाव हमेशा रहता है। जब हम बोलते हैं तब वह व्यक्त हो जाता है, अन्यथा वह अव्यक्त अवस्था में रहता है। इस प्रकार सांख्य वेदांत मीमांसा आदि वस्तु को भाव रूप ही स्वीकार करते हैं, अभाव रूप नहीं। एकांत भाव रूप वस्तु की समीक्षा। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु न केवल भाव रूप है और न केवल अभाव रूप है, अपितु भावा भाव रूप है। जैन दर्शन वस्तु में प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव आदि चार प्रकार के अभाव स्वीकार करता है। यदि हम वस्तु को केवल भाव रूप स्वीकार करें और इन चारों के अभाव को स्वीकार न करें तो अनेक दोषों की संभावना रहती है। ये दोष संक्षेप में चार प्रकार के हैं। प्रथम निर्विकारता का दोष, द्वितीय अनंतता का दोष, तृतीय सर्वात्मकता का दोष और चतुर्थ एकात्मकता का दोष। प्राक अभाव को अस्वीकार कर देने पर निर्विकारता का दोष आता है, अर्थात फिर कोई नई पर्याय या नया कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, फिर दूध से दही उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रध्वंस अभाव को अस्वीकार कर देने पर अनंतता का दोष आता है, अर्थात जो कार्य हमारे सामने है उसका अभी अंत ही नहीं होगा, जैसे दही का कभी नाश ही नहीं होगा। तीसरा इतरेतर अभाव को अस्वीकार कर देने पर सब वस्तुओं में सबका अस्तित्व हो जाएगा, घट में पट का और पट में घट का अभाव नहीं रहेगा, घट पट सब एक रूप हो जाएंगे। चौथा अत्यंत अभाव को अस्वीकार कर देने पर सब वस्तुएं एक रूप हो जाएंगी, जड़ और चेतन का भेद ही समाप्त हो जाएगा। दूध से दही उत्पन्न होता है और मथने के बाद दही का नाश भी होता है। घट में पट का तथा जड़ में चेतन का अभाव भी होता है, इसलिए भाव की तरह अभाव भी वस्तु का धर्म है। वस्तु में एकांत भाव धर्म को मानने वाले सांख्य आदि भी किसी न किसी रूप में प्राग अभाव आदि अभावों को स्वीकार करते रहे हैं। जैसे सांख्य दर्शन में प्रकृति से महत बुद्धि, महत से अहंकार आदि तत्वों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है। यदि प्राग अभाव को न माने तो महत अहंकार आदि तत्व अनादि हो जाएंगे, फिर उनकी प्रकृति से उत्पत्ति मानना व्यर्थ है। इसी प्रकार प्रध्वंस अभाव को न मानने पर महत आदि तत्व अनंत हो जाएंगे, उनका कभी नाश ही नहीं होगा।
यदि इतरेतर अभाव को न माने तो व्यक्त प्रकृति और अव्यक्त प्रकृति में कोई अंतर ही नहीं रहेगा, और अत्यंत अभाव को न मानने पर प्रकृति और पुरुष में भी कोई भेद नहीं रहेगा। जबकि सांख्य प्रकृति और पुरुष में भेद स्वीकार करता है, व्यक्त और अव्यक्त प्रकृति को भी एक नहीं मानता। महत, अहंकार आदि भी प्रलय के समय प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। ऐसा मानने वाले सांख्य वस्तु को एकांत भाव रूप कैसे स्वीकार कर सकते हैं? इसी प्रकार मीमांसा दर्शन में शब्द को नित्य माना गया है, वे उसकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर भी यह आपत्ति आती है कि यदि शब्द नित्य है तो शब्द की उत्पत्ति के लिए पुरुष द्वारा जो तालु, जिह्वा आदि का व्यापार देखा जाता है, उसकी क्या आवश्यकता है? पर तालु, जिह्वा आदि के व्यापार से ही शब्द उत्पन्न होता है। अतः ये मानना चाहिए कि तालु आदि के व्यापार से पूर्व शब्द का अभाव रहता है। मीमांसक शब्द को नित्य मानने के कारण उसका विनाश भी स्वीकार नहीं करते। यहाँ पर भी यह प्रश्न होता है कि यदि शब्द नित्य है तो हमें हर क्षण शब्द सुनाई देना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। जब हम बोलते हैं तभी शब्द सुनाई देता है, अन्यथा नहीं। अतः हमें प्रध्वंस अभाव को भी स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार वस्तु को एकांत भाव रूप मानना निर्दोष प्रतीत नहीं होता। अतः हमें वस्तु को केवल भाव रूप न मानकर भाव अभाव रूप ही मानना चाहिए। एकांत अभाव रूप वस्तु। एकांत अभाव का तात्पर्य है वस्तु के सद्भाव को स्वीकार न कर उसके अभाव को ही स्वीकार करना। एकांत अभाववादी के अनुसार केवल अभाव ही होते हैं, अभाव तत्व है, भाव की कोई सत्ता नहीं है। भाव स्वप्न ज्ञान की तरह मिथ्या है। जैसे स्वप्न में हम बहुत कुछ देखते हैं और उस समय वो सत्य जैसा प्रतीत होता है, किंतु आंख खुलने के बाद उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता। उसी प्रकार जागृत अवस्था में जो पदार्थ दिखलाई देते हैं उनका भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता। अंतर केवल इतना ही है कि स्वप्न में जो कुछ दिखलाई देता है वह क्षणिक होता है। जिस व्यक्ति को स्वप्न आता है उसी व्यक्ति को दिखलाई देता है, जबकि जागृत अवस्था के पदार्थ अधिक काल तक ठहरते हैं और अनेक व्यक्तियों को दिखलाई देते हैं, परंतु इतने मात्र से उसकी वास्तविक सत्ता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अतः केवल अभाव ही सत्य है। इस प्रकार अभाववादी वस्तु के भाव स्वरूप का निराकरण कर एकांत अभाव को ही वे वास्तविक मानते हैं। एकांत अभाव रूप वस्तु की समीक्षा। जैन दर्शन के अनुसार वस्तु न केवल अभाव रूप है और न केवल भाव रूप, अपितु भाव अभाव रूप है। यदि हम वस्तु को केवल अभाव रूप स्वीकार करें और भाव रूप स्वीकार न करें तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। एकांत अभाव को मानने वाले अभाववादियों के यहाँ अपने मत को सिद्ध करने के लिए और दूसरों के मत का निराकरण करने के लिए कोई प्रमाण ही नहीं हो सकता, क्योंकि वे किसी भी वस्तु के सद्भाव को नहीं मानते। अतः उनके यहाँ प्रमाण का भी सद्भाव नहीं हो सकता। प्रमाण का सद्भाव हुए बिना वे न तो अपना अभाव का पक्ष सिद्ध कर सकते हैं और न भाव पक्ष का खंडन ही कर सकते हैं। उनके मत में जब कोई विचार ही नहीं है तो विचारों के द्वारा दूसरों को समझाने के लिए शास्त्रों का निर्माण करना, उपदेश देना, आचार्यों का सद्भाव करना बंध्या पुत्र के समान निरर्थक ही होगा। अतः वस्तु के भाव रूप को न मानकर केवल अभाव रूप को मानना भी निर्दोष प्रतीत नहीं होता।
वस्तु को भाव अभाव रूप ही मानना चाहिए, क्योंकि स्वरूप से प्रत्येक वस्तु अस्थि रूप अथवा भाव रूप होती है और पर रूप से प्रत्येक वस्तु नास्ति रूप अर्थात अभाव रूप होती है। यदि ऐसा न मानकर वस्तु में केवल भाव या अभाव रूप को ही स्वीकार करेंगे तो क्रमशः या तो सब में सबका भाव हो जाएगा या फिर वस्तु का कोई स्वरूप नहीं बनता।